चलिए, तो आज के क्लास से हम लोग बूलियन अलजेब्रा शुरू कर रहे हैं, है ना। प्रीवियस क्लासेस तक हमने लैटिस पढ़ा है, लैटिस पोसेट वगैरह पढ़ा है, लैटिस पढ़ा है, सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ा है, बहुत सारे ऑपरेशंस के बारे में हमने पहले पढ़ रखा है। तो आज से हम लोग बूलियन अलजेब्रा शुरू कर रहे हैं। बूलियन अलजेब्रा अपने आप में एक अलग सा चैप्टर है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, जिस तरीके से आपको याद होगा हर्षित कि प्रीवियस चैप्टर तक हमने ग्रुप पढ़ा है, ग्रुप रिंग, याद है? ग्रुप क्या था? एक नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशन, याद है? और उसके बाद ये एलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनता था। अगर ये कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में तो ग्रुप हो जाता था। कुछ चार पांच पर चार प्रॉपर्टीज थे, है ना। अब याद मत कीजिए, पूछने नहीं वाले हैं। आर कोई सेट है और टुगेदर विथ टू बाइनरी ऑपरेशन रिंग होता था, याद है? रिंग ग्रुप के लिए सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन, इसके लिए दो बाइनरी ऑपरेशन था कि आर सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए टुगेदर विथ टू बाइनरी ऑपरेशन, और कुछ प्रॉपर्टी इसके लिए सेटिस्फाई कर जाए और कुछ प्रॉपर्टी इसके लिए पांच प्रॉपर्टी, इसके लिए चार प्रॉपर्टी, ठीक है, और फिर उसके बाद दोनों के लिए दो प्रॉपर्टी। तो उम्मीद है याद हो गई सब चीजें। तो ये एक रिंग बनता था। उसी तरीके से यहाँ पे एक बूलियन अलजेब्रा एक वर्ड है कि एक नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विथ टू बाइनरी ऑपरेशन, और बाइनरी ऑपरेशन इस बार कैसा है? प्लस और स्ट्रिप, ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो बी नॉन एम्प्टी सेट है टुगेदर विथ टू बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन मतलब समझते हैं कि दो को कंबाइन करता, मतलब दो एलिमेंट के ऊपर लगने वाला ऑपरेशन बाइनरी कह सकते हैं। अच्छा, और एक यूनरी ऑपरेशन, यूनरी मतलब कि सेट के एक ही एलिमेंट पे लगे। जैसे अगर ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो बी का दो एलिमेंट लेना होगा, ए लेना होगा, बी लेना होगा, उसके बाद ये लगाना होगा, इसको लगाना है तो भी दो एलिमेंट लेना होगा, बाइनरी है। और ये यूनरी है, मतलब कोई एक एलिमेंट लीजिए उसके ऊपर लगा दीजिए, यूनरी मतलब एक एलिमेंट ए लिए और उसके ऊपर लगा दिया तो ए का कॉम्प्लीमेंट बन गया, ठीक, ए मतलब वो डैश लगा दिए तो कॉम्प्लीमेंट बन गया। अच्छा, तो बी एन एम टी सेट टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशन एंड वन यूनरी ऑपरेशन एंड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट जीरो एंड वन, ये दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, याद है? ग्रुप में एक आइडेंटिटी होता था, इसके रिस्पेक्ट में एक आइडेंटिटी होता था। अगर ये ऑपरेशन प्लस है तो आइडेंटिटी क्या होगा, अगर नॉर्मल प्लस है तो, और ये कुछ इंटीजर वगैरह है तो जीरो, नॉर्मली जीरो एलिमेंट, मल्टीप्लीकेशन है तो यू वन बोलते थे। उसी तरीके से यहाँ पे दो बाइनरी ऑपरेशन है ना, तो ये वाला जो एलिमेंट है इसका आइडेंटिटी होता है, ये वाला इसका आइडेंटिटी होता है, मतलब इसको बोलते हैं जीरो एलिमेंट, इसको बोलते हैं यूनिट एलिमेंट। तो कुछ ये पांच चीजें होती है, नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशन, यूनरी ऑपरेशन, दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट, कितना हो गया? छह हो गया। इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या? बूलियन अलजेब्रा। कब बोलेंगे? जब इसके इन सब ऑपरेशन, इन सब चीजों के लिए कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर, जैसे यहाँ पे भी तो इसको बोलते नहीं थे ग्रुप, कुछ सेटिस्फाई करते तब बोलते थे। तो बताइए जी क्या क्या ऑपरेशन है कि इसको बूलियन अलजेब्रा कब बोलेंगे हम? जब सबसे पहला क्या, पहला प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव, तो यहाँ तो दो ऑपरेशन है तो कॉम्यूटेटिव इसके लिए भी होना चाहिए और इसके लिए भी। फिर दूसरा क्या होता है? आइडेंटिटी, मतलब आप पता है, अब यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, इसके लिए एक आइडेंटिटी जीरो, इसके लिए। फिर तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव, आप लोग पढ़े रिंग थ्योरी में डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़े थे कि एक ऑपरेशन दूसरे पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ पे ये इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों एक दूसरे पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। और चौथा कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइए देखते हैं डेफिनेशन। तो आप लोगों के लिए हम पहले से लिख के रखे हैं, देखिए, लेट बी बी अ नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर, नॉन एम्प्टी सेट विथ टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड स्ट्रिप एंड अ यूनरी ऑपरेशन डैश, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डैश, अच्छा, एंड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट जीरो एंड वन, देन बी इज कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा इफ द फॉलोइंग ऑक्सियम्स होल्ड्स फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। कौन सा ऑक्सियम्स क्या सेटिस्फाई करके बी को बूलियन अलजेब्रा बोल देंगे? पहला कॉम्यूटेटिव, बी वन मीन्स बूलियन के लिए पहला कंडीशन, तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? फॉर ए बी, बी से कोई भी लीजिए आप, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू बी, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब प्लस के लिए कॉम्यूटेटिव, ए एस टी बी इक्वल टू बी एस टी पे। आइडेंटिटी लॉस क्या होता है? फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, एक कोई भी ये लीजिए तो भाई अगर उसके साथ प्लस करेंगे तो आपको जीरो आइडेंटिटी का काम करेगा, स्ट्रिप करेंगे तो वन आइडेंटिटी काम करेगा, मतलब समझा आपने। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं कि दस, यहाँ पे लिख सकते हैं दस, जीरो इज द आइडेंटिटी फॉर ऑपरेशन प्लस एंड वन इज द आइडेंटिटी फॉर ऑपरेशन स्ट्रिप, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तीसरा ऑक्सियम्स क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ईच बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या है? प्लस और स्ट्रिप, तो ईच बाइनरी ऑपरेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर अदर, प्लस वाला उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, वो वाला इसके ऊपर। जैसे कि अगर कोई भी तीन एलिमेंट हमने बी से लिया तो यहाँ पर रखिए ए प्लस, इसको कैसे समझ सकते हैं आप जरा ध्यान दीजिए, आप लोग ये चीज पढ़े थे हर्षित, देखिए यहाँ पे टू इंटू एक्स प्लस वाई, तो क्या होता है? टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा टू एक्स,
आप देखिए नोटिस एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पे जो ऑपरेशन है सीधा इसके साथ हो जाता है, फिर यही ऑपरेशन इसके साथ भी होगा, ये वाला जो होता है ना यहाँ पे आता है, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी सीधा हो जाएगा, ए प्लस बी, ये वाला कहाँ जाएगा यहाँ ए प्लस सी। तो देखा आपने कि ये वाला जो ऑपरेशन है इसके ऊपर बढ़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो बोलेंगे कि प्लस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर दिस। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रिप है तो क्या होगा ए स्ट्रिप बी, फिर ए स्ट्रिप सी, बीच में प्लस, क्लियर। तो शुभम ध्यान नहीं दे रहे हैं, अब अभी नहीं समझेंगे ना, तो फिर जब थ्योरम्स होगा तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, ठीक है फिर पूछेंगे अभी। और ये समझ में आ गया, ठीक। और देखिए फिर कॉम्प्लीमेंट्स लॉ, कॉम्प्लीमेंट्स लॉ में क्या होता है, फॉर ईच ए इन बी, कि हर एक एलिमेंट के लिए एक कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए। तो देखिए हर एक एलिमेंट, फॉर ईच ए इन बी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए डैश, कि हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए सच दैट, इस तरीके से मिले कि ए को उसके साथ प्लस करें तो क्या आ जाए वन आ जाए। हाँ बिल्कुल, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, नहीं कब बोले, कॉम्प्लीमेंट्स बोल रहे थे, जीरो था यूनिटी, जीरो और वन, जीरो जीरो एलिमेंट था, इसको यूनिटी बोल रहे थे आपको, ठीक है। तो फिर वो वाला जरूरत पड़ जाएगा, फिर जो नहीं ये आमिर खान हर 5 मिनट के बाद भूल जा रहे हैं आप लोग, कॉम्प्लीमेंट्स लॉ फॉर ईच ए इन बी, देखिए फॉर ईच ए इन बी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए डैश इन बी, कि हर एक इसके हर एलिमेंट, जैसे वहां पे नहीं दिखते थे हम लोग ग्रुप में क्या होता था, हर एलिमेंट के लिए ए के लिए इनवर्स मिलता था, रिंग में भी मिलता था, तो वही चीज की हर एक के लिए ए डैश मिलना चाहिए, और इस तरीके से मिलना चाहिए कि जब दोनों को जोड़े तो क्या आ जाए, दोनों को जोड़े तो वन आ रहा है, ध्यान दीजिए दोनों को जोड़ रहे हैं तो वन, वन मतलब आइडेंटिटी किसका, स्ट्रिप का, दूसरे का आइडेंटिटी, इसमें जोड़ रहे हैं तो आइडेंटिटी उसका आ रहा है, और स्ट्रिप कर रहे हैं तो आइडेंटिटी उसका आ रहा है, समझ पाए ये लॉजिक, समझ पाए सुमित, समझ पाए, ठीक है फिर पूछेंगे। तो ये बस ये चार ऑक्सियम सेटिस्फाई कर गया, हो गया बस यही तक डेफिनेशन आपको लिखना था, अब नीचे थोड़ा एक्स्ट्रा में चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर इतना आपको अच्छे से याद हो तो लिख सकते हैं, क्या कहेंगे, वी डिनोट दी बूलियन अलजेब्रा बाय, जो अभी हम समझे थे बी और दोनों ऑपरेशन, दोनों बाइनरी ऑपरेशन, यूनरी ऑपरेशन, जीरो और वन आइडेंटिटीज एलिमेंट, तो दी एलिमेंट जीरो एंड वन आर कॉल्ड जीरो एंड यूनिट, जीरो एंड यूनिट एलिमेंट ऑफ बी रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला वाला को जीरो को जीरो एलिमेंट, दूसरा को यूनिट एलिमेंट, विल ए डैश इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ए इन बी, क्लियर। यहाँ पे चूंकि डैश हम यहाँ यूनरी बोल दे रहे हैं कि डैश है, तो यहाँ पे डैश यूज करेंगे, आप यूनरी की जगह पे आप कुछ स्पेशल बोलते ये वाला सिंबल, ये अपना यूनरी है तो वो यूज करेंगे, क्लियर। तो समझ में आ गया, तो बोले अलजेब्रा क्लियर है, शुभम बताएंगे अब, बी नॉन एम्प्टी सेट है, अब बताइए कि ये बोलियन अलजेब्रा कब हो सकता है, इसीलिए बोल रहे थे ध्यान दीजिए, तो आप कॉपी में ध्यान दिए थे, फिर सुमित से भी पूछेंगे, शुभम बताइए पहले, दो सेट लेंगे, तो ये एक रीजन है कि आप हर बार पीछे हो जाते हैं, बराबर सबके साथ तो शुरू करते हैं सब लोग, और फिर धीरे 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 बहुत पीछे हो जाते हैं, सुमित बताइए आप, क्या बाइनरी ऑप्शन, क्या प्लस और स्ट्रिप, ठीक ठीक जीरो और वन, हाँ ये बन गया अलजेब्रा का स्ट्रक्चर, अब बताइए और क्या 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 प्रॉपर्टी हो कि बूलियन अलजेब्रा हो जाए, आप ही बताइए, शुभम बता सकते हैं बताइए, फिर सुमित बताइए, आप लोग दोनों आपस में डिसाइड कीजिए कौन सा है, ठीक ठीक आइडेंटिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट्स है ना, तो आप बताइए तो जरा कॉम्प्लीमेंट्स का क्या था, कॉम्प्लीमेंट्स क्या था, कि हर एक ए के लिए ए डैश मिलना चाहिए, और इस तरीके से मिलना चाहिए, जब दोनों को जोड़े तो क्या है वन आ, और जब दोनों को स्ट्रिप करे तो क्या है जीरो आ, क्लियर ठीक। अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव क्या था सुमित, डिस्ट्रीब्यूटिव उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट हो और वो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट हो, सिंपल। और कम्यूटेटिव क्या था भगवान बताइए, हाँ
कम्यूटेटिव क्या था कि इसके लिए भी कम्यूटेटिव करे, इसके लिए भी कम्यूटेटिव करे, सिंपल तो है, याद हो गया पूरा डेफिनेशन अच्छे से। हाँ सिंपल। और अब लास्ट बताइए आइडेंटिटी, इनको बोलने दीजिए जी। ठीक, आप उनको बताने के लिए रखे हैं। तो प्लस के लिए क्लियर हो गया, कुछ नहीं, दोनों के लिए कम्यूटेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़े थ्योरम्स पे। तो ये था डेफिनेशंस, अब आते हैं थ्योरम्स जो कि एग्जाम्स में आएगा, इस बार लिख के रख लीजिए, मतलब लिख के रख लीजिए, मतलब ऐसा रख लीजिए मत ऐसा। वाह, थोड़ा ये अपना दिखाइए सब लोगों को। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, लिखिए यहाँ पे अब परसेंटेज। चलिए, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन पहले से लिख के रखे हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से हम रिवीजन करवा देते हैं। बूलियन अलजेब्रा क्या था, एक सेट होना चाहिए, दो ऑपरेशंस होने चाहिए और दोनों बाइनरी होने चाहिए, अरे एक यूनरी होना चाहिए और एक जीरो और एक वन आइडेंटिटी होना चाहिए, और ये सब मिल करके चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन होगा, सुमित, सुमित या शुभम, कॉम्पिटेटिव ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो एक सेट, दो ऑपरेशन बाइनरी, एक यूनरी और दो आइडेंटिटी और एलिमेंट्स। यहाँ पे कुछ वही दे दिया गया है कि लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, चाहे एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है। अब एस का एक पावर सेट है, पावर सेट पता है ना क्या होता है, कि एस अगर कोई सेट है तो इसमें कितने सबसेट बन सकते हैं। वेरी गुड, जैसे एस कोई सेट है, जैसे मान चला जाए कि ये कोई सेट है 1 2 3 का, तो इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। सबसेट का मतलब जैसे इसका एक एलिमेंट लेकर के बना दिया 1, एक सबसेट बन गया, एक एलिमेंट लेकर के बना दिया 2, एक सबसेट, फिर एक एलिमेंट बना दिया 1 2, दो, समझ पा रहे हैं। तो ये जो सबसेट होता है, किसी सेट का जो सबसेट होता है, सब सारे सबसेट को कलेक्ट कर दिया जाए तो वो बनता है पावर सेट। तो एस कोई सेट है और एस के बहुत सारे सबसेट होंगे, कितना सबसेट होता है, तो एस लगभग एग्जैक्ट 10-12 में ही निकलता है। इसके अंदर अगर 3 एलिमेंट्स है तो 2 का पावर 3 एलिमेंट्स होता है सबसेट इसका। अगर इसके पास n एलिमेंट्स है तो 2 का पावर n एलिमेंट्स होता है उसका सबसेट। इतना सबसेट होगा, निकाल के देखिए 1 1 2 3, ऐसा देखिए 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 3 1 2 1 3, फिर 2 3, फिर 1 2 3, और एक होता है फ्री वाला 5। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े थे इसको, पर यहाँ पे रिविजन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो एस कोई सेट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एस कोई सेट है, इसके बहुत सारे सबसेट होंगे, हमें नहीं पता कितना, क्योंकि इसके अंदर का एलिमेंट ही नहीं पता हमें। तो जो भी होगा, एस कोई सेट है, इसके बहुत सारे सबसेट होंगे, उन सबसेट का कलेक्शन बनाते थे, उसी कलेक्शन को क्या बोलते थे, पावर सेट ऑफ एस। जैसे अगर इसका ये, अगर इसका नाम ए दे दिया जाए, ये जो हम यहाँ पे एलिमेंट सबका कलेक्शन बना देते, क्या आएगा, पी ऑफ ए, है ना। तो एस कोई सेट है तो उसका पावर सेट एस हो गया। आपको पता है कि हर सेट का 2 फ्री वाला सबसेट होता है, कौन कौन, एक तो वो खुद और एक 5, जिसे इम्प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं, है ना। तो इस एस का भी 2, इसके अंदर 2 फ्री वाला तो होगा ही, कौन, एक 5 और एक एस खुद। तो जो अब बोला गया है कि क्या कि लेट एस बी एन एम्प्टी सेट एंड पी ऑफ एस बी दी पावर सेट, अब क्या ले पावर सेट ऑफ एस। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, कि देन पी ऑफ एस इज अ बूलियन अलजेब्रा, ये जो सेट है पी ऑफ एस, ये बूलियन अलजेब्रा होगा, किसके रिस्पेक्ट में, तो 2 बाइनरी ऑपरेशन चाहिए, तो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन दे दिया गया है, तो विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन एज 2 बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड स्ट्रिप,
कि प्लस और स्ट्रिप के जगह पर एज बोल दिया गया है, उसके जगह पर यूनियन और इंटरसेक्शन दिया हुआ है। अब क्या चाहिए, यूनियन ऑपरेशन चाहिए। तो आपको पता है कि सेट्स का कम्प्लीमेंट्स निकाला जाता है, याद होगा कि अगर इतना बड़ा सेट है एस, या फिर ये अपना मान चले कैपिटल एक्स है, यहाँ पे ए है, ये यूनिवर्सल सेट के जैसा ट्रीट हो, तो ए का कम्प्लीमेंट्स क्या होगा, इस पूरे में से ए को हटा दीजिए, ये जो साइडेड रीजन बचता है ए का कम्प्लीमेंट्स होता है, तो मतलब सेट का कम्प्लीमेंट्स निकलता है। तो देखिए, तो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ, सेट मिल गया, सेट कौन है, पी ऑफ एस, बाइनरी ऑपरेशन यूनियन और इंटरसेक्शन है। अब क्या चाहिए हम लोग को, यूनरी ऑपरेशन। तो देखिए क्या दिया हुआ है, एंड कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसके अंदर तो सेट ही होता है ना अपने आप में, एंड कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम पूरा लिखे विथ रिस्पेक्ट टू एस, कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट विथ रिस्पेक्ट टू एस, ये पूरा को एस कंसिडर कीजिए और उसमें फिर कम्प्लीमेंट निकालिए, एस का ही ना सबसेट होता है ये, तो एस यहाँ पे है तो यहाँ पे लिए, तो इसका कम्प्लीमेंट एस के रिस्पेक्ट में, किससे बच्चा जो एस में वो उसका कम्प्लीमेंट, एज यूनरी ऑपरेशन, मतलब समझ पाए, यहाँ पे जो कम्प्लीमेंट ऑफ सेट होगा वो यूनरी ऑपरेशन होगा। फिर कॉमा देखिए, फाई एंड एस विल एक्ट एट जीरो एंड वन रिस्पेक्टिवली, जीरो की जगह पर कौन है, फाई, इसके अंदर तो एलिमेंट्स है ना, जीरो के अंदर फाई, और ये क्या है, इसके जैसा वन के जैसा ट्रीट होगा, क्या बात समझ पाए। यहाँ से अगर हम एक शॉर्ट रिकॉल करें तो ये बात समझ पाए क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सेट दिया हुआ है, सारी चीजें दी गई है, सेट की जगह पर पी ऑफ एस है, बाइनरी ऑपरेशन यूनियन इंटरसेक्शन है, यूनियन कॉम्प्लीमेंट्स है, फिर उसके बाद फाई और एस, इसी को हमें प्रूव करना है, क्या बोले ना जो, तो बहुत सारा चीज हम जानते हैं कि अब इसके अंदर से कोई दो एलिमेंट लीजिए तो अपने आप में कैसा एलिमेंट आएगा, सेट आएगा ना, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अपने आप में सब इसका एस का सबसेट है, तो सबसेट मतलब अपने आप में सेट होता है, तो कोई दो एलिमेंट का आप यूनियन लीजिए, जैसे ए और बी हमने यहाँ से ले लिया, ए और बी हमेशा कैपिटल ही लेंगे क्योंकि ये अपने आप में सेट है, सेट का कलेक्शन है ना जी, समझ पाए। तो कोई दो एलिमेंट इधर से हम लेंगे तो ए यूनियन बी करेगा तो क्या होगा, बी यूनियन बी के बराबर होगा, कैसे, आप कोई भी जैसे एक सेट है जिसके अंदर वन टू है, दूसरा सेट फोर फाइव है, तो ए का बी के साथ यूनियन कीजिए, यूनियन मतलब मिलाते हैं, तो जो ए का बी के साथ मिलाएंगे जो आएगा, और बी का ए के साथ मिलाएंगे वही आएगा ना, ऑब्वियस, समझ रहे हैं। इंटरसेक्शन में भी सेम वही बात होगा, क्या इसका इसके साथ ढूंढिए क्या का कॉमन है, या इसका इसके साथ ढूंढिए क्या कॉमन है, तो दोनों के रिस्पेक्ट में तो पहला दो तो कॉम्यूटेटिव तो ऐसे ही सेटिस्फाई करेंगे, उसी में से पहला समझा चुके, कॉम्यूटेटिव समझ में आया। फिर सेकंड क्या होगा, आइडेंटिटी बोलते हैं, तो आइडेंटिटी कौन होगा इसके लिए, यूनियन के लिए आइडेंटिटी कौन होगा, क्यों, क्योंकि आप कोई भी सेट लीजिए और फाई के साथ मिलाइए, जैसे कोई भी सेट ले लिए हम जिसके अंदर वन टू है, अब फाई के साथ मिलाएंगे तो क्या वन टू से कुछ एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि फाइव के अंदर कुछ है ही नहीं, अगर वही दूसरा चीज मिला देंगे वहां पे, एस अगर मिला देंगे तब तो कुछ था और एस और मिल गया, तब तो बड़ा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये आइडेंटिटी काम करने लगा यूनियन के लिए। और इंटरसेक्शन मतलब जैसे ए इसके अंदर से लिए हम और इंटरसेक्शन फाइव के साथ करेंगे तो क्या आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, अगर पूरा एस के साथ इंटरसेक्शन कर दे तो जो है वही आ जाएगा, कैसे, जैसे मान के चलो पूरा एस के अंदर वन से टेन तक है, ए के अंदर वन टू है, तो पूरे में से जब इंटरसेक्शन करेंगे तो वही आएगा। सुबह थोड़ा धीरे हैं, पीछे हैं, तो समझ पाए यहाँ पे दूसरा वाला भी। अब इसके बाद जो तीसरा चौथा है सब हम लोग यहीं पे प्रूव करेंगे, आइए जल्दी से लिखते भी हैं इस चीज को हम लोग, तो हम लोग आपके लिए पहले से लिख के रखते हैं, मतलब लिखिए आप लोग, सॉल्यूशन लिखना होगा, थ्योरम्स तो है नहीं।
फिर से वहां से रिटेक करना होगा, कट करना होगा। चलिए तो अभी जो हमने समझा उस चीज़ को हमने सारे प्रॉपर्टीज़ को पहले से कंसिडर करे हैं। देखिए आपने अभी हमने क्या समझा कि ये क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ पी ऑफ एस यूनियन इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट्स फाई एस, ये बुलियन अलजेब्रा हो तो क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, चार प्रॉपर्टी क्या क्या, कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्प्लीमेंट्स। तो पहला क्या हो गया कम्यूटेटिव, अभी हम बता भी रहे थे आप लोगों को कि वी नो दैट, हम तो जानते हैं किसी भी दो सेट्स का आप यूनियन करेंगे, ए बी का यूनियन कीजिए चाहे बी ए का यूनियन कीजिए सेम आएगा, आप एग्जांपल लेके देख सकते हैं। तो वही लिखे हम कि वी नो दैट फ्रॉम सेट थ्योरी फॉर एनी सेट ए एंड बी, कोई भी दो सेट लीजिए, जैसे यूनियन का मतलब होता है कि मिलाना, तो कोई भी दो सेट के लिए जब आपस में करते हैं तो यूनियन करेंगे तो यही आएगा, दोनों बराबर होता है, चाहे ए को बी से यूनियन कीजिए चाहे बी का ए से कीजिए, इंटरसेक्शन में भी सेम होता है। तो कोई भी दो सेट के लिए होता है तो पी ऑफ एस के किसी दो एलिमेंट के लिए नहीं, इसके अंदर भी तो सेट ही है, तो जब सबके लिए होता है तो इसके लिए भी होगा। तो हमने दिया कि हेंस कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर यू एंड कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर यूनियन एंड इंटरसेक्शन इन पी ऑफ एस, कि पी ऑफ एस के अंदर भी होल्ड करेगा क्योंकि सारे सेट के लिए कर रहा था। क्लियर समझ में आया ये, तो जरूरी नहीं है कि अब यही एकदम पूरा डिटो एकदम लिखना है, आप एक बार समझ गए तो बस लिख सकते हैं, हमको लगता है कि कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं आप लोग को। बहुत सही, आइडेंटिटी लॉ देखिए, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ का मतलब क्या था कि एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए कि जिससे किसी को ऑपरेट करें कोई फर्क नहीं पड़े। तो देखिए यहाँ पे वी नो दैट फाई एंड एस बिलोंग्स टू पी ऑफ एस, अब हाँ आइडेंटिटी एलिमेंट उसी के अंदर भी होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फाई और एस कहाँ से आ रहा है, पी ऑफ एस सेट से ही आ रहा है, ठीक। अब देखिए और इस तरीके से आ रहा है कि किसी भी सेट ए से कोई भी दीजिए, फॉर ऑल फॉर एनी ए बिलोंग्स टू पी ऑफ एस, कि पी ऑफ एस के अंदर से कोई भी एलिमेंट आप ए लीजिए यूनियन कीजिए फाई के साथ, फाई मतलब क्या होता है नन, एक भी एलिमेंट नहीं है, नल सेट, इसका यूनियन कर रहे हैं इसके पास कुछ भी नहीं है तो मिलाएंगे तो क्या आएगा, यही आएगा। तो यूनियन के लिए आइडेंटिटी कौन हो रहा है, ये इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट ढूंढना। तो अगर एस इतना बड़ा है और ए इतना बड़ा है तो अगर इस ए का पूरे एस के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन पार्ट है, तो कॉमन यही आएगा क्या, ये पूरा एस में यही है कॉमन, तो यही एक डेफिनेशन हो गया कि इंटरसेक्शन के लिए देखिए एंड ए का इंटरसेक्शन कीजिए पूरे एस के साथ तो क्या आएगा, यही आएगा। तो यही क्या हो गया फॉर एनी ए बिलोंग्स टू दिस, तो दस फाइव एंड एस एक्ट्स एज जीरो एंड वन एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। क्लियर, यह समझ में आया। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव भी हम लोग जानते हैं सेट थ्योरी से कि यूनियन इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट करता है और वो इस पर करता है। तो वी नो दैट फ्रॉम सेट थ्योरी दैट क्या होगा, दैट फॉर एनी सेट ए बी एंड सी वी हैव, क्या होता है कि ए यूनियन बी सी, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता ही है, मतलब ए का बी पे कीजिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, है ना, ए फिर ए, फिर ये भी क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये कहाँ से जानते हैं कि सेट थ्योरी में किसी भी तीन सेट के लिए होता है, आप चाहे तो एग्जाम्पल वेरीफाई कर सकते हैं। तो जब किसी भी तीन के लिए होता है तो हेंस बोथ ऑपरेशन यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ईच अदर, सिंपल समझ पाए, यही होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव रोचे। अब अंतिम क्या बचता है, कंप्लीमेंट कहता क्या, जरा ये इस पे आते हैं, पहले कंप्लीमेंट कहता क्या है बताइए, तो दिनेश बताइए कंप्लीमेंट क्या कहता है, आप लोग मुझे कोई बताइए कंप्लीमेंट कहता क्या है बताइए, मतलब ये है कि अगर यहाँ पे अगर बी है ठीक है, हाँ वही चीज वही है, मतलब फिर से एक बार थोड़ा सा और आइए कि बी अगर सेट है इसका कोई एक एलिमेंट लीजिए ए, हर एक एलिमेंट फॉर ईच डेफिनेशन है फॉर ईच, हर एक एलिमेंट ए के लिए ए डैश मिलना चाहिए, हर एलिमेंट के लिए मिलना चाहिए और इस तरीके से मिलना चाहिए कि जब दोनों को हम जोड़े तो क्या आ जाए उसका वाला आइडेंटिटी है, ये ऑपरेशन करे तो उसका वाला आइडेंटिटी है, उसका आइडेंटिटी कितना था, और स्ट्रिप करे तो इसका, ये स्ट्रिप कर रहा है तो इसका वाला आइडेंटिटी आ जाए। अब यहाँ पे सारा चीज चेंज हो चुका है, पी ऑफ एस है तो पी ऑफ एस के अंदर सेट हो रहा होगा, तो अब बताइए इसके अंदर से हम अगर ए ले रहे हैं कोई एक सेट ए, तो ए के लिए एक ऐसा सेट मिले कि अगर यूनियन करे और उस सेट को यहाँ रखे तो क्या आ जाना चाहिए, उसका वाला आइडेंटिटी आना चाहिए। तो उसका आइडेंटिटी कौन था, उसका आइडेंटिटी था यूनियन का आइडेंटिटी कौन था, यूनियन का आइडेंटिटी कौन था, फाई था, उसका आइडेंटिटी आना चाहिए था ना, देखिए तो प्लस करते हैं तो उसका आइडेंटिटी आ रहा है, दूसरे ऑपरेशन का एस आना चाहिए,
तो आप बताइए ए को हम किस सेट के साथ मिला दे कि पूरा एस आ जाए, ए को हम किसके साथ मिलाए? सिंपल, जैसे कि अगर हम ये बोल दें कि x में हम यहाँ पे किसको जोड़ दें, यहाँ पे हम x में किसको यहाँ पे जोड़ दें कि 10 आ जाए, तो आप क्या कीजिए 10 में से इसको घटा दीजिए, जितना घटेगा यहाँ लिख दीजिए, नहीं समझे? x में हम कितना जोड़े कि 10 आ जाए, या फिर आप x की जगह पे एक नंबर कर देता है, ये एक नंबर कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते 3, तो 3 में हम कितना जोड़े कि यहाँ पे आ जाए, तो क्या कीजिए 10 में से 3 घटा दिए, जितना बच रहा है मतलब जितना घट रहा है उतना ही जोड़िए, 10 में से अगर 3 में हम यहाँ क्या होगा एस माइनस ए होगा, ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ पे एस माइनस ए, अब ये जोड़ने वाली बात नहीं कि प्लस से माइनस से कट गया, ऐसा नहीं है, ये यूनियन हो रहा है कि अगर एस इतना बड़ा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ए होगा और एस माइनस से क्या होगा, ये सब यही ना होता है एस माइनस ए, एस में से ए को घटा दिया तो ये साइडेड रीजन बचा, तो ए का यूनियन करेंगे एस माइनस ए के साथ तो क्या आ जाएगा, ए का यूनियन करेंगे एस माइनस ए के साथ तो एस आ जाएगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कौन हो गया एस माइनस ए, और फिर इसी तरीके से अगला के लिए क्या होगा जी बताइए, ए इंटरसेक्शन करना है किसके साथ करना है, क्या आना चाहिए था यहाँ पे, आप बताइए किसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे, एस माइनस ए के साथ, अगर ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है और एस माइनस ए के बीच कुछ कॉमन होता है क्या, कुछ भी नहीं होता है, तो अगर यहाँ पे आप एस माइनस ए रख दीजिएगा, एस माइनस ए रख दीजिएगा तो दोनों के बीच कुछ कॉमन आएगा, वही आ जाएगा, समझ रहे हैं? तो देखिए इसी को लिखा गया यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स लॉ में कि फॉर ए बिलोंग्स टू पी ऑफ एस, कि आप कोई भी ए लीजिए तो एस माइनस ए भी तो उसी के अंदर होगा, ए लेंगे तो एस माइनस ए भी पी ऑफ एस के अंदर ही आएगा, कि आप डायग्राम के थ्रू देखिए, है ना, और इस तरीके से आएगा कि दोनों का यूनियन करेंगे तो एस आएगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो पाई आएगा, तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, क्लियर? सुबह समझ में आया? तो दस एवरी एलिमेंट ए इन पी ऑफ एस हैज कॉम्प्लीमेंट्स ए डैश, ए डैश मतलब ये एस माइनस ए को ए डैश बोल रहे हैं, हेंस दिस इज अ बूलियन अलजेब्रा, हो गया समझ में आइए? चलिए इसको कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट हो गया, अगला क्वेश्चन लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेट, हाँ आप ये कॉम्प्लीमेंट्स, जैसे अगर पी ऑफ एस है सेट का एलिमेंट्स है, जैसे आप पी ऑफ एस के अंदर तो सब अपने आप में सेट ही है ना, इसके अंदर जो भी ए लेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्स क्या होगा, इसमें से एक घटा दीजिए, अगला बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा ही है लेकिन लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, सो दैट दिस सेट, ये क्वेश्चन आया तो चलिए आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन पहले से लिख के रखे हैं, सो दैट द सेट b इक्वल टू 0 1 टुगेदर विद द टुगेदर विद द ऑपरेशन प्लस एंड स्ट्रिप एंड डैश डिफाइंड बाय द फॉलोइंग टेबल है, डिफाइंड बाय द फॉलोइंग टेबल इज अ बूलियन अलजेब्रा, मतलब समझ में आया सेट क्या है इस बार दिनेश, सेट क्या है, सेट इस बार क्या है, b है, b मतलब 0 और 1 है सेट के अंदर एलिमेंट, पिछले बार अलग था, इसके बार सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, पिछले बार ऑपरेशन भी अलग था, इस बार ऑपरेशन क्या है, प्लस है, प्लस के लिए प्लस है, स्ट्रिप है और डैश है, बट इस बार दिया गया है अलग तरीके से डिफाइंड है, फिर से ध्यान से सुनिए भगवान, कि सो दैट द सेट b इक्वल टू 0 1 टुगेदर विद द ऑपरेशंस प्लस एंड स्ट्रिप एंड डैश, तीन ऑपरेशंस दिया हुआ है, डिफाइंड बाय द फॉलोइंग टेबल इज अ बूलियन अलजेब्रा, दिखाना कि जो सेट है वो बूलियन अलजेब्रा है, तो कैसे बोला गया प्लस कैसे डिफाइंड होगा, मतलब हर एक एलिमेंट का हर एक से प्लस करके देखना होगा कि क्या है, तो वो पहले से दिया हुआ है कि जब आप जीरो के साथ प्लस करेंगे कितना आएगा, जीरो का वन के साथ प्लस करेंगे तो फिर वन का जीरो के साथ तो वन और वन का, समझ रहे, ये नॉर्मली प्लस के जैसा हो रहा है क्या, नॉर्मली प्लस के जैसा हो रहा है क्या, नहीं, कौन सा ठीक है, ठीक है, ऐसा क्या बोल रहा है कि हमको भी याद नहीं आ रहा है, जो भी एक बाइनरी सिस्टम होता है ना, जीरो और वन ही सिर्फ यूज होता है, बाइनरी सिस्टम जैसे फोन वगैरह में कम्युनिकेशंस के लिए यूज होता है वो सब, और सिस्टम
जिसमें सिर्फ और जीरो और वन ही यूज होता है। तो देखिए जीरो का मतलब जब भी आप यहाँ पे नॉर्मली एडिशन समझ लीजिए कि जीरो का जीरो के साथ जोड़ते हैं कितना आ रहा है, जीरो ही आ रहा है। जीरो का वन के साथ तो वन आएगा, वन आएगा। बस दिक्कत कहाँ हो रहा है कि वन का वन के साथ जुड़े तो टू आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है, लेकिन आ रहा है वन। और इस पर आप लोग सवाल नहीं खड़ा कर सकते क्योंकि ये बोल दिया है कि ऐसे ही डिफाइंड होगा। जैसे कि आपसे पहले बोल दिया है आपको, आप ऐसा डिफाइन कर दे, जैसे बहुत लोग होते हैं ऐसा कि नहीं हम जो एस एस जो है हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि नहीं हम एस ऐसे ही लिखते हैं। आप इसी को ऐसे समझिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों का सिग्नेचर देखेंगे तो नाम और उनका सिग्नेचर बिल्कुल मैच नहीं करेगा, लेकिन फिर भी बोले नहीं हम ऐसे ही करते हैं। तो कुछ वैसा ही है कि यहाँ पे डिफाइंड है, ये चीज पहले से डिफाइंड है कि ये ऑपरेशन होगा। और ये अब मल्टीप्लिकेशन समझिए कैसे है, जीरो को जीरो से करेंगे ऑपरेशन कितना, फिर जीरो का वन से करेंगे मल्टीप्लाई करें, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन पहले समझिए, फिर वन का वन से, मतलब ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसा काम कर रहा है, ये भी नॉर्मल एडिशन जैसा, बस एक जगह चेंजेस था कि जहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा था वो वन ही कर रहे थे। और ये क्या कहता है यूनिटी ऑपरेशन, कि जीरो पे अगर डैश देंगे वन आ जाएगा, वन पे डैश देंगे ठीक है। तो ये तीनों ऑपरेशन सब डिफाइंड हो गया। अब हम प्रूफ जो करना है बात करें आगे, तो वी हैव टू प्रूफ। तो हम आप लोगों के लिए मेहनत करते पहले से लिख के रखते हैं। ओहो ये प्लस डिफाइंड है, बाइनरी ये डिफाइंड है, फिर यूनरी भी डिफाइंड है ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है कि वी हैव टू प्रूव बी प्लस डॉट, यहाँ पे देखिए जीरो और वन क्या है, इज अ बुलियन अलजेब्रा। हमें ये बुलियन अलजेब्रा प्रूफ करना है। तो पहला क्या लॉ होगा, कम्यूटेटिव। शुभम ध्यान दीजिए, सिंस द टेबल फॉर एडिशन एंड स्ट्रिप आर सिमेट्रिक अबाउट मीन डायगोनल। ये क्या मतलब हुआ, सिमेट्रिक का मतलब समझ रहे हैं, ए बी इस टाइप से कम्यूटेटिव टाइप, सिमेट्री कहने का मतलब ये होता है कि ए बी से कर रहा जो रिजल्ट्स, बी वही करे ए से, ए बी बी ए सिमेट्री। आप कह सकते हैं शुभम बहुत सही, सिमेट्री रिलेशन जो हम लोग पढ़े थे कुछ वैसा ही। तो देखिए क्या हो रहा है, इस डायगोनल के अबाउट क्या है, सिमेट्री है। कैसे, आप चेक कीजिए, आप इसके इधर देखेंगे तो जो चीज हम यहाँ पे जीरो का इस जीरो के साथ हो, इस जीरो का इसके जीरो के साथ हो रहा है, तो कितना अंतर आ रहा है, जीरो। और फिर इसी जीरो का अगर इस वन के साथ कर रहा है तो वन। तो इस डायगोनल के अगर इधर देखा जाए तो जो जीरो वन यहाँ आ रहा है, यहाँ पे जो जीरो वन है वही जीरो वन यहाँ है ना। आप अगर डायगोनल, ये डायगोनल का अबाउट सिमेट्री नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट आप सीधा से ऐसा कर लीजिए ना, क्या कीजिए, वन का जीरो के साथ कीजिए कितना आएगा, वन का जीरो के साथ, वन का जीरो के साथ वन आ रहा है, जीरो का वन के साथ कीजिए, जीरो का वन कहाँ मिलेगा, यहाँ पे जीरो पहले जीरो वन, या इधर वाला जीरो वन, वही बात हो रहा है। इस जीरो को वन सब कीजिए तो भी वन, इस जीरो को वन सब कीजिए तो भी वन, तो वन जीरो कीजिए तो भी वन, और जीरो वन कीजिए तो भी वन, मतलब कॉम्पिटेटिव तो हो रहा है। तो सीधे हम डायरेक्ट ही कह सकते हैं कि हाँ ये कॉम्पिटेटिव हो रहा है। और इसी ऑपरेशन में देख, मल्टीप्लीकेशन वाला भी देखेंगे तो भी ऑपरेशन ये कॉम्पिटेटिव होल्ड करेगा। समझ पा रहे हैं, तो क्या लिखा गया, क्योंकि सिमेट्री है तो देयरफॉर बोथ ऑपरेशंस आर कम्यूटेटिव।
ये भी और ये भी, समझ पाए? तो ऑपरेशंस ध्यान रखना है। अब आते हैं आगे, आइडेंटिटी लॉ। इस रिजल्ट्स में देखिए जीरो कैसा ट्रीट हो रहा है। देखिए तो आप एक बात कि जीरो आइडेंटिटी जैसा काम कर रहा है। जीरो को जीरो के साथ किए वही रह गया, जीरो को वन के साथ किए वही रह गया। मतलब जीरो क्या हो रहा है, एडिशन के लिए आइडेंटिटी हो गया, इसके लिए आइडेंटिटी कौन हो गया, वन। देखिए वन को जीरो के साथ कीजिए जीरो, वन को जीरो के साथ कीजिए जीरो, मतलब आइडेंटिटी का मतलब है कि कोई फर्क ना पड़े, जो है वही रह जाए। वन को वन के साथ कीजिए वन ही रह जा रहा है, तो मतलब एडिशन के लिए आइडेंटिटी जीरो हो गया और इसके लिए आइडेंटिटी वन हो गया। तो हमने वही लिखा कि इफ इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल क्या कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी जीरो है, और मतलब कि कोई भी आप ए ले लीजिए उस बी से, मतलब बी में दो ही एलिमेंट है, बट जनरल लिखने के लिए क्या लिख रहा है, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू बी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू बी, कि बी के अंदर से कोई भी एलिमेंट लीजिए उसके अंदर का जीरो ऐड करेंगे तो ए ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए को तो ए ही आएगा। समझ पाए आइडेंटिटी तो दस ए दस जीरो इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन एंड वन इज आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द एबव टेबल वी हैव फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू बी, टेबल से ही ये चीज डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए क्या होता है, हाँ बोलिए, वहाँ पर बी में जो सेट था उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, हाँ ठीक, यहाँ पर आप तीन बता रहे, कहाँ तीन बता रहे, एक बार लिए सेट के अंदर, मतलब क्या होता है कि आप दो ही मतलब सेट सेट के अंदर मान के चलो एक बी के अंदर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ये जीरो है और वन है ही ना, हम इसी जीरो और वन को ऐसा लिख सकते हैं, रिपीटेशन तो अलाउ नहीं होता, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये तो नहीं बोला गया कि तीनों अलग अलग एलिमेंट है, यहाँ पे बोला गया तीन एलिमेंट लेना है, तीन अलग अलग तो नहीं बोला गया, ये भी नहीं बोला गया कि आप एक को ले सकते दोबारा उसको मत लीजिए। तो एक बार जीरो लिए फिर जीरो ले लिए, दूसरे बार जीरो ले लिए, कोई तीन एलिमेंट ले सकते हैं, तो फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, कोई भी तीन एलिमेंट लीजिए उसके बाद ये वाला प्रॉपर्टी देखेंगे तो ये काम करेगा। कैसे काम करेगा, देखिए फॉर फ्रॉम द टेबल एबव टेबल वी हैव फॉर एनी ए बी सी बिलोंग्स टू ए अपने पास होगा, कैसे होगा जरा देखते हैं इस चीज़ को। आइए वापस टेबल में आप देखिए, कोई आप तीन एलिमेंट लेते हैं, जैसे हम लोग जीरो ले लेते हैं प्लस, और यहाँ पे क्या रखते हैं, देखिए यहाँ पे जीरो प्लस वन रखते हैं, स्ट्रिप वन, ठीक, ये किसके बराबर होना चाहिए था, ये बराबर होना चाहिए था जीरो प्लस जीरो फिर स्ट्रिप जीरो प्लस वन ना, इसके बराबर होना चाहिए था। तो पहले इसका आंसर खोजिए आप लोग, कितना आएगा बताइए, तो जीरो स्ट्रिक वन कितना आएगा, आप टेबल में देखिए जीरो स्ट्रिक वन ना, तो जीरो स्ट्रिप वन जीरो आ गया, इसका आंसर जीरो आ गया, इसका आंसर कितना आएगा, जीरो का जीरो ही है, अब दोनों में ऐड कीजिए कितना आएगा, तो फाइनल इधर लेफ्ट साइड कितना आ गया, राइट साइड कीजिए सब, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, ठीक है बराबर है, टेबल से कह सकते हैं कोई भी तीन लेंगे आप बराबर होगा, ठीक है बैठिए। तो कह सकते हैं कि इट इज क्लियर फ्रॉम द टेबल, यू वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग आगे, अब डिस्ट्रीब्यूटिव भी सेटिस्फाई कर गया, अब बात होता है कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लीमेंट हर एलिमेंट के लिए दूसरा एलिमेंट मिलना चाहिए, तो एलिमेंट्स अपने पास दो ही है, कौन कौन, जीरो और वन। तो पहले हम चेक करते हैं कि जीरो के लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहा है क्या। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है कि जीरो अगर यहाँ पे है तो ऐड करें या एक ऐसा एलिमेंट ऐड करें कि दूसरे का आइडेंटिटी आ जाना चाहिए, तो दूसरे का आइडेंटिटी यहाँ पे कितना है, तो बताइए यहाँ पे क्या ऐड करें, वन ही ऐड करना हो, समझ पाए। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स ध्यान रखना है, जीरो और वन, तो जीरो अगर आप ले रहे हैं तो इसके लिए एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए, उसी के अंदर मिलना चाहिए कि ऐड करें तो दूसरा का आइडेंटिटी आ जाए। तो देखिए गिवन जीरो बिलोंग्स टू कैपिटल बी, कि अगर जीरो यहाँ से ले रहे हैं तो एक वन मिल जाएगा उसके अंदर, जीरो ले रहे हैं तो एक वन मिल जाएगा, और इस तरीके से मिलेगा कि जीरो में वन जुड़ेगा तो दूसरे का आइडेंटिटी आ जाएगा, और फिर जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आइडेंटिटी आना चाहिए था, तो मल्टीप्लाई तो आइडेंटिटी जीरो आता है, आप देख लीजिए टेबल से, क्लियर समझ पाए। अब इसी तरीके से तो जीरो के लिए होगा, जीरो था तो वन मिल गया और दूसरा एलिमेंट एक और है, तो एंड वन अगर बी से लेते हैं तो दूसरा जीरो मिल जाएगा, देख लीजिए, और इस तरीके से मिला कि वन में इसको जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, दूसरा का आइडेंटिटी, तो वन आता ही है क्या, वन प्लस जीरो आप देखिए टेबल में, और वन स्ट्रिप जीरो करेंगे तो जीरो आएगा, कैसे आ रहा समझ पा रहे हैं। अब ये नहीं कि ये कैसे आ जा रहा है, मल्टीप्लाई वगैरह वो टेबल कह रहा है कि इसको ऐड कर, क्लियर है बात, तो ये भी सेटिस्फाई है कॉम्प्लीमेंट्स लॉ।
तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि हेंस फॉर एवरी ए इन बी देयर एग्जिस्ट ए डैश इन बी सच दैट ए प्लस ए डैश इक्वल टू वन एंड ए स्ट्रिप ए डैश इक्वल टू जीरो. समझ पा रहे हैं कि सारे के लिए काम कर रहा है, सारे मतलब सारा मतलब दो एलिमेंट ही है तो दोनों के लिए हमने दिखाया. हम बोल सकते हैं कि हाँ हर ए के लिए ए डैश मिल रहा है. समझ पाए? तो हेंस दिस इज बूलियन अलजेब्रा. क्लियर? अब एक छोटा सा डेफिनेशन आता है. अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ा वो क्या पढ़ा? बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा मतलब अलजेब्रा ही बात कर दी तो एज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कि एक सेट था, दो बाइनरी थे, एक यूनरी ऑपरेशन और फिर दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट. अब बात आता है कि बूलियन अलजेब्रा एज लैटिस, जैसे वहां पे पढ़े थे लैटिस एज पोसेट, लैटिस एज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, उसी तरीके से बूलियन अलजेब्रा भी दो तरीके से था. अभी हमने पढ़ा बूलियन अलजेब्रा एज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और एक होता है बूलियन अलजेब्रा एज लैटिस. तो सिर्फ उसका डेफिनेशन याद रखना है आप लोगों को. तो आप आगे पढ़ते हैं और लिखते हैं बूलियन अलजेब्रा एज लैटिस. डेफिनेशन लिखिए. बूलियन अलजेब्रा एज लैटिस. और लैटिस देखिए यहाँ पे कि एल मीट ज्वाइन, एक मिनट हाँ, एल मीट ज्वाइन ये एक लैटिस फॉर्म कर रहा था. याद है आपको? यहाँ पे ये दोनों बाइनरी ऑपरेशंस होते थे. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन थे, हमने पहले से पढ़ा हुआ है. अब इसी यही लैटिस अगर क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस हो जाए. याद है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस क्या होता था? आपको याद होना चाहिए. अगर ये लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाए और साथ साथ कम्प्लीमेंटेड लैटिस हो जाए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लैटिस क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कम्प्लीमेंटेड लैटिस क्या होता है पता होना चाहिए. तो अगर कोई लैटिस डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो जाए और कम्प्लीमेंटेड भी हो जाए तो उस स्पेशल लैटिस को बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा. सिंपल. और वो बूलियन अलजेब्रा का डेफिनेशन फोल्ड करता है, मतलब ये दोनों डेफिनेशन सिमिलर होता है. हम एक प्रीवियस वीडियो में बता रहे थे, एक डेफिनेशन, एक थ्योरम्स करवाए थे, आप लोग याद है कि लैटिस एज पोसेट एंड लैटिस एज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दोनों डेफिनेशन सेम होता है. थ्योरम्स करवाए थे कुछ 3-4-5 पेज का था. किए हैं आप लोग? नहीं किए हैं. सेम वीडियो वाला यही किया था. उन लोगों को हम 90% क्वेश्चन के बनाते समय ही बोल दिए थे 90% आएगा, तो 100 हो गया था. वो भी आ सकता है. जैसे कि आप लोगों को फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बता रहे थे कि आएगा आएगा, आया. देखिए तो चलिए क्लास को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं और फिर ये जो जितना बताया गया ये सब इम्पोर्टेंट है, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं. इसके बाद हाँ बिल्कुल बाहर मतलब कहाँ